ना ना लोग थे तो मर गया। ये आप देख सकते हो ये बजरी है, आपको अच्छी तरह से दिखा दो। ये मिट्टी नहीं है, मिट्टी जो होती है ना उसमें दाने नहीं होते, बजरी है पत्थर के। हाँ बजरी है। और जो पानी के अंदर, जैसे मान लो वहाँ उस जो पानी जा रहा है उसके अंदर से अगर अपन लेंगे ना तो वहाँ पर थोड़ा वो आ जाएगा खारस। खारस नहीं है इसमें, खारस नहीं है ये, बिल्कुल मिट्टी। पानी थोड़ा खोदो, 4 पाउंड इतना जो मीठो निकले पानी। और थे कतरो खोदियो तो नीचे बड़ा वो उतरे जे, अजय बोना जे है हाल पानी नहीं निकला, पानी तो नहीं निकला। मैं कब अतरो खोदो अट धुराई को तो के बजरी से हाल और बजरी है का ना। हां धुरा का ना है, लगभग 5-10 फुट तक बजरी है। अरे मतला पापड़ी है के थोड़ी एटे पापड़ी एटे आवे के पाची बजरी। हां पाची बजरी क्यों पुरानी अटे तो अटी वालो भीड़ो है। हां सब बजरी है। हां आवे रवाने वेगो के। ये देख लो दोस्तों कितना मुश्किल भरा ये काम है बनाना, कितना मेहनत का काम है ये। परेशान जैसे अपना जो शर्ट उतार के काम करते हैं क्योंकि इनको पसीना लगता है, धूप भी लगती है, मगर वो उतारना पड़ता है क्योंकि अगर नहीं उतारेंगे तो पसीने से तरबर हो जाएंगे। बड़ा ही मुश्किल काम है ये करना, फिर भी लोग कर रहे हैं, पेट के लिए सब करना पड़ता है। तो और वो वाली बात है जिसका काम हो उसी को राजे, अगर हम करने जाएँ तो ये हमसे नहीं होगा। और हमारा खेत है मगर हम नहीं कर पाते, कर क्या सकते हैं। ये देखो मैंने अपने आपको दिखाया था ना, ये भी इकट्ठा किया हुआ है तो ये इसके ऊपर डालेंगे। तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है और सभी लोग करते हैं। देख लो आपको कैसा लगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, सारा इन्होंने कटिंग कर लिया है, थोड़ा बहुत बचा है कहीं, जो आपको नज़र आ रहा है ना सामने वो बचा है, बाकी इन्होंने पूरा का पूरा कटिंग कर लिया है। और अभी इस पर हो रहा है एक वर्क और सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। चलो दोस्तों तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय बाय। मतलब दो ढाई फुट तो बजरी है। और जो यहाँ पर 2.5 फुट है तो जो है ना वहाँ पर ज्यादा, जहाँ पर पानी है ना, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जहाँ पर पानी का बाव है ना वहाँ पर बहुत सारी है। और ऐसा नहीं जहाँ पर मतलब कहीं पर अगर वो टीला है तो वहाँ पर ज़्यादा होगी, कहीं पर कम है। और ये हमारा खेत का मुड्डा है जिससे ये पता चलता है कि हमारा खेत है। और ये इधर उधर जैसे खेत की पेड़ी होती ना उस तरह से ये खेत का मुड्डा है, इसको तो आप समझती होंगे ना। अब मान लो यहाँ पर देखो कहीं पर वो पेड़ी बनी हुई नहीं है क्योंकि जब ये नदी आती है ना तब सारा हो जाता है इधर का उधर है। और वो कौन आके दो है ये गलत आ रही है। ये आगे तीसरी जो भट्टी है ये यहाँ पर इन्होंने कटिंग करके रखा है, भट्टी अभी बनानी है मगर ये बन जाएगी भट्टी। हाँ हाँ
अनुलार बेन है कटिंग की हुए है, बटी तो अभी बनी नहीं है, बाकी ये सब है। तो भाई हमारा ये गाइड जो है ये बता रहा है कि यहाँ पर बजरी ज्यादा है, ये इन्होंने इधर भी खोद कर रखा है। ये बड़ा ही जानकार बच्चा है, ये दिखने में ऐसा छोटा बच्चा भले ही हो मगर ये यहाँ पर खेतों में रहता है अपने पापा के साथ में, स्कूल भी जाता है ऐसी बात नहीं है, मगर इधर आता रहता है। तो ये अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए गड्ढे खोद खोद कर तसली करता रहता है कि बजरी कितनी है, पानी कितना है। क्या भाई सही बात है ना? सही बात। तुमने कितने गड्ढे खोदे इतने? इतने 10-20। 10-20 गड्ढे खोद कर इन्हें, मतलब बहुत बड़ी जमीन है ना, तो इन्होंने जगह जगह ऐसा है मतलब अपना तजुर्बा बनाने के लिए इन्होंने ट्राई करते रहे। तो यहाँ पर कितना है, वहाँ पर कितना है, तो जो ये जो जमीन है ना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मतलब बजरी होने की संभावना है। और बाकी तो उस तरफ मैंने आपको दिखाई है, तो यानी कि बजरी अगर अपन खेती करना चाहे तो खेती भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, और अगर बजरी बेचना चाहे तो बजरी भी बेच सकते हैं। अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से बंद है लीज वगैरह, मगर जब कभी भी होगी तो ठीक ही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा खेत हमारे पास है और खेती हम कर सकते हैं, खेती करने की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है भाई हमारे खेत का हाल। आ जा गाइड, इनको बनाया है, बड़ा जानकार बच्चा है, तो इनके लिए एक लाइक बनता है क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इसको इतनी सारी जानकारी है। सही बात है ना? ये है दोस्तों, देख लो ये भट्टी है और ये पूरा खेत है। अरे मक्तो रे घना कौन आयो आज ये रात रा दौड़ नो भाई, अरे राज ये बिस्तर पानी ढोनी पड़ी।